हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं डिलीशियसली अमेजिंग क्रीम ऑफ ब्रोकली। वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सूप्स एवर इज दिस ब्रोकली सूप एंड आई अटली लव इट। आपने ये पक्का से ट्राई करना चाहिए बिकॉज इट्स फुल ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, लॉट्स ऑफ मिल्क एंड लॉट्स ऑफ ब्रोकली। द कॉम्बिनेशन मेक्स इट अ परफेक्ट बैलेंस्ड फूड। ऐसे ही डिलीशियस रेसिपीज के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, तो आपको मेरे सारे रेसिपीज मिलते रहेंगे, सो प्लीज मिस मत करना। वेलकम टू साइलीज किचनेट। सबसे पहले स्टार्ट करते ये देखना कि ब्रोकली को कम से कम 5 से 8 दिन तक कैसे फ्रेश रख सके। इसके लिए मैं कांच के ग्लास में 2 घोंट पानी डाल के बड़ा स्टेम जो ब्रोकली का है वो रख के मैं बॉटल रैक में रख देती हूँ रेफ्रिजरेटर में, तो ये 5 से 8 दिन तक एकदम फ्रेश रहता है। एंड अब हम यहाँ पे ब्रोकली को कुक करके लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी लिया है एंड उसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है एंड सारा ब्रोकली इसमें ऐड कर देते हैं। हमें ब्रोकली को ओवरकुक नहीं करना है, इसका हल्का सा क्रंच सूप में रहना चाहिए, उसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक उसको कुक कर रही हूँ मैं एंड एक बार कट करके चेक कर रही हूँ ताकि ये इजीली कट हो रहा है क्या नहीं। एक बार ब्रोकली कुक हो जाए तो इसे मैं एक स्ट्रेनर में निकाल के ले रही हूँ एंड ये स्टॉक मैं आके यूज करने वाली हूँ, कहीं पे भी फेंकना मत, इट्स फुल ऑफ विटामिन्स। फिर ब्रोकली को हम रफली चॉप करके लेंगे, आप चाहो तो चॉपर में भी कर सकते हो पर मुझे इसके चंक्स चाहिए, बहुत ही छोटा चॉपिंग ब्रोकली का नहीं चाहिए। गार्लिक का फ्लेवर ये सूप में दी बेस्ट लगता है। मैं कम से कम 20 से 30 कलियां गार्लिक की ले रही हूँ यहाँ पे एंड इसे चॉपर में ही रफली चॉप करके ले रही हूँ। नॉर्मली इसे कट भी कर सकते हो पर वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी काम हो जाता है, इसलिए मुझे चॉपर में ही सही लगता है एंड फटाफट हो भी जाता है। एंड थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और बटर लेके मैं इसमें गार्लिक ऐड कर रही हूँ और इसे जस्ट सॉटे करना है। हमें इसे ब्राउन कलर का नहीं बना के लेना, जस्ट कच्चा पन निकाल देना है एंड इस गार्लिक को हम अलग से रख देंगे, हमें इसे लास्ट में सूप में ऐड करना है। गार्लिक का चेक कर लो, एकदम हल्का सा कलर चेंज हुआ है। अब हम यहाँ पे बटर ले रहे हैं। अगर आप हेल्दी वर्जन बनाना चाहते हो तो सिर्फ ऑलिव ऑयल यूज कीजिए एंड बटर में 1 स्पून मैं यहाँ पे मैदा ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे व्हीट फ्लावर भी ऐड कर सकते हो। एक्चुअली हमने जो अभी बटर और ऑयल लिया है उसी में हम चॉप्ड किया हुआ गार्लिक सॉटे कर सकते थे, बट चॉप्ड किया हुआ है ना तो उसके कारण व्हाइट सॉस में गुठलियाँ बन जाती है, इसीलिए मैंने इसे अलग से सॉटे करके लिया था। मैदा या व्हीट फ्लावर को हमें जस्ट कच्चापन निकाल के लेना है, तब तक ही सॉटे करना है एंड थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध ऐड कर देंगे ताकि कहीं पे भी इसमें गुठलियाँ फॉर्म ना हो जाए। बेसिकली हम व्हाइट सॉस बना रहे हैं तो व्हाइट सॉस कभी भी बनाते वक्त आप 3 हिस्सों में दूध ऐड कीजिए ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होगी एंड इन केस हो भी जाती है तो हल्का सा ठंडा हो जाने के बाद इसमें हैंड मिक्सी घुमा देना तो एकदम से फाइन पेस्ट वो बन जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 से 1.25 कप मिल्क यूज़ किया हुआ है। इसमें आपको सर्विंग्स 3 लोगों के लिए पूरा सूप बाउल सर्विंग मिल जाएगा और इसे कंटिन्यूस विस्क में करती रह रही हूँ एंड 3 हिस्सों में मैंने यहाँ पे मिल्क ऐड कर लिया है। देखो कहीं पे भी गुठलियाँ फॉर्म नहीं हुई है। टोटली ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है एंड आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप डाइट रेसिपी बना रहे हो, पर मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मलाई ऐड कर रही हूँ, आप फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हो एंड अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। नमक ऐड करते वक्त ध्यान देना है हमें ब्रोकली में भी ऐड किया हुआ है एंड वही स्टॉक हम यूज भी करने वाले हैं एंड क्रश ब्लैक पेपर कम से कम 1 टीस्पून।
इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एंड व्हाइट सॉस हमारा यहाँ पे काफी थिक हो चुका है। ये बहुत ही ज्यादा थिक है, मुझे इसे थोड़ा सा सूपी बनाना है, इसलिए मैं जो स्टॉक है वो थोड़ा इसमें ऐड कर रही हूँ एंड बचा हुआ स्टॉक मैं कहीं पे भी यूज कर सकती हूँ, यानी कि हर रोज की रोटी का आटा मलना या फिर कोई भी चीज के लिए वो आप यूज कर सकते हो, उसे बिल्कुल भी फेंकना मत। एंड जो चॉप किया हुआ ब्रोकली हमने रेडी रखा था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ब्रोकली डालने के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा स्टॉक की जरूरत और है, तो एक स्पून मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एंड जो सॉटे करके लिया हुआ गार्लिक हमारे पास रेडी है वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ताकि व्हाइट सॉस में वो भी हल्का सा कुक हो जाए एंड ढक के इसे मैं एक 5 से 10 मिनट तक बॉईल करने के लिए छोड़ दूँ। ये बन गया हमारा क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप रेडी। ब्रोकली एंड चॉप्ड गार्लिक का जो फ्लेवर है वो साथ में अमेजिंग लगता है, सो डू नॉट स्किप गार्लिक। ये बिना मलाई और फ्रेश क्रीम का भी बहुत अच्छा बनता है, बट अगर आपको हूबहू रेस्टोरेंट स्टाइल चाहिए तो आप इसमें पक्का से मलाई ऐड करना, और अगर डाइट रेसिपी है तो प्लीज अवॉइड करना। ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर में वापस इस पर स्प्रिंकल करके ले रही हूँ ताकि एक अच्छा सा गार्निशिंग भी आ जाए एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस सूदिंग फीलिंग। डू ट्राई दिस सुपर हेल्दी रेसिपी एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड माई टीम सो मच, रियली मीन्स अ लॉट। कीप शेयरिंग माई रेसिपीज एंड कीप इंस्पायरिंग अस। Bye-bye. Enjoy.